नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले सहित कई शहरी इलाकों में सुअरों की लगातार मौतें हो रही हैं, जिसने पशुपालकों के साथ ही आसपास रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। लगातार हो रही सुअरों की मौत के बाद पशु चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा जानवरों का टीकाकरण शुरू किया गया है और उनका सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। जांच रिपोर्ट में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है, जिसकी वजह से सुअरों की मौत हो रही थी। रीवा में सुअरों की महामारी अफ्रीकन स्वाइन फीवर ने दस्तक दे दी है। रीवा जिले से जांच के लिए भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान में आए 11 सैंपलों में SASF संक्रमण पाया गया है। संस्थान की ओर से जांच रिपोर्ट राज्य शासन को भेज दी गई है। इस बीच अफ्रीकन स्वाइन फीवर के प्रकोप से लगातार सुअरों की मौत का सिलसिला जारी है। हालांकि कुछ स्थानों को चिन्हित कर प्रशासन इससे बचाव का प्रयास कर रहा है, वहीं लोगों को सुरक्षित रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसी बीच रीवा शहर के थाना चुराटा अंतर्गत ग्राम मैदानी तुरकहा के सुअर स्वाइन फ्लू के प्रकोप में मरने लगे हैं, लेकिन यहाँ मरे हुए सुअरों को हटाने व दफनाने की कोई व्यवस्थाएं नहीं है, जिसके चलते मरे हुए सुअरों की लाशें मैदानी से होकर बहने वाली छोटी नदी धीरमा के किनारे पड़े हुए हैं, जिसके चलते अब लोगों को गंभीर बीमारी का भय सताने लगा है। इस गंभीर बीमारी के दुष्परिणामों को देखते हुए मोहल्लेवासियों ने शीघ्र उचित व्यवस्था प्रबंध करने की मांग की है, अन्यथा एक बड़ी आबादी जो वहां पर बसी हुई है जानलेवा संक्रमण की बीमारी की चपेट में आ जाएगी।